एनिमल हायर की फर्स्ट द कॉन्टेंट्स फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम किंगडम डोमेन देन द टैक्स ऑन एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ द हायर की स्टूडेंट्स जैसे कि हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन यूनिट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले एक स्पीशीज है देन द स्पीसीज के बाद हमारे पास जीनस है आफ्टर जीनस दे आर द फैमिली सो डिफरेंट जीनस विच आर जनरा विच आर हैविंग रिलेटेड करेक्ट्रिस्टिक्स दे आर ग्रुप टूगेदर टू फार्म आर फैमिली तो ऐसे जी डिफरेंट जेनरा जिनके क्लासेज जिनके डिफरेंट करेक्टर्स आपस में मिलते जुलते होते हैं उनको हम एक बड़े ग्रुप में जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं दैट इज़ द फैमिली इट मीन्स कि जो स्पीशीज सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है दैन जेनरा और जेनरा के बाद ऊपर जेनरा से ऊपर का जो टैक्सॉन है जो ग्रुप है लेवल है दैट इज़ एक्चुअली द फैमिली है फिर जो एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन जो है ह्यूमन की अगर हम जीनस की बात करते थे तो होमो होमोसेपियन जैसे हमारा एक साइंटिफिक नेम है तो होमो इज द जीनस नेम जबकि जो हमारी जो फैमिली इट इज अ होमिनाइडी होमीनाइडी इज द फैमिली ऑफ ह्यूमन सिमिलरली जो पैंथरा पैंथरा जैसे जिसमें के अंदर हमने बात की थी कि डिफरेंट एक जीनस है जिसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो है वो लायंस और टाइगर्स की तो इनकी जो आगे फर्दर हम देखें तो इसकी जो है वो फेलीडी फेलीडी इज़ द फैमिली ऑफ द टाइगर्स तो इस तरह से एक बड़ा ग्रुप जो है वो बन जाएगा हमारे पास जब वो फैमिलीज़ जो है वो फैमिली के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ अ ऑर्डर तो डिफरेंट रिलेटेड फैमिलीज द फैमिलीज विच आर हैविंग सम करेक्टर्स रिलेटेड करैक्टर्स दे आर ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म अ फॉर्म एन ऑर्डर जैसे इसमें जो डिफरेंट कारनीवोर्स अब जो कारनीवोर्स हैं जिसमें लाइन्स भी आ जाएंगे लाइन्स के अलावा हाइनाज हैं या बाकी जो फ्लैश शीटिंग एनिमल्स हैं दे आर ऑल ग्रुप टूगेदर इन वन ऑर्डर दैट इज़ द दर्नीवोरा जैसे तो कार्निवोरा के अंदर तमाम जो है वो कार्निवोर्स आ जाते हैं विच आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट जेंड्रा एंड डिफरेंट फैमिलीज़ जिनकी फैमिलीज डिफरेंट है लेकिन वो सारे के सारे एक बड़े ग्रुप के अंदर रखा गया इस तरह से ह्यूमन जो है वो इट इज़ प्लेस्ड इन ऑर्डर प्राइमेट अब प्राइवेट जो ऑर्डर है इसके अंदर सिर्फ ह्यूमन नहीं है बल्कि इसके अलावा चम्पनस हैं मंकीज़ हैं तो जो बाकी जो यानी कि प्राइमेट्स जो, है, जिसके जो हैं जिसके अंदर जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो भी जो रिलेटेड फैमिलीज़ हैं दे आर ग्रुप टुगेदर इनटू एन ऑर्डर जैसे तो ऑर्डर के अंदर क्या है कि रिलेटेड फैमिली जो है वो रखी जाएंगी ऑर्डर से जो हायर लेवल ऑफ हर की है दैट इज़ अ क्लास तो इट मीन्स डिफरेंट ऑर्डर्स दे आर ग्रुप टूगेदर टू फार्म एन फार्म आ क्लास तो ऐसे ऑर्डर जिनके अंदर कुछ रिलेटेड करेक्टर्स मौजूद हैं उनको हम क्या करते हैं एक क्लास के अंदर जो है वो रखेंगे अब जिस तरह से अगर ह्यूमन देखिए ह्यूमन और जो बाकी हमारे पास जो आ, जितने भी मैमल्स uh, हैं तमाम मैमल्स को हम एक ही क्लास के अंदर रखते हैं दटज ए क्लास मैमलिया इस तरह से जितने भी एम्फीबियंस हैं जिसमें हमारे पास जब वो फ्रॉग्स आ जाएंगे टोर्स आ जाएंगे सेले आ जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स दे आर हैविंग वन क्लास दैट इज द क्लास एम्फीबिया इस स्नेक्स लिजर्ड्स इन सब को एक ही क्लास के अंदर रखा गया दैट इज द क्लास रेप्टीलिया सिमिलरली ऑल द बर्ड्स जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे सारे एक ही क्लास के अंदर रखे गए हैं दैट इज़ द एव्स एंड द मैमल्स जितने भी जो अपने यंग वंस को मिल्क फीड करते हैं यानी कि जिनका जो वो यंग वंस को बर्थ करते हैं या इसके साथ साथ जो है वो मिल्क जो है वो अपने नरिश करते हैं मिल्क के थ्रू दे आर ग्रुप टूगैदर इन टू आर वन क्लास क्लास मेमलिया अच्छा यहाँ आपने एक तो रिसोर्स याद रखनी है कि जैसे हम बड़े ग्रुप्स की तरफ जा रहे हैं तो जो कामन फीचर्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं यानी स्पीसीज़ के अंदर एनिमल्स के अंदर सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है अब जीनस के अंदर जाकर थोड़ी थोड़ी कम सिमिलरिटीज़ सिमिलरिटीज ज़रूर है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी स्पीशीज लेवल के ऊपर हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर वाले ग्रुप्स में आ जा रहे हैं तो सिमिलरिटीज़ जो है वो कम होती जा रही हैं चंद एक फीचर जो है वो कॉमन रह जाते हैं बाकी ज़्यादातर फीचर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ओके okay, क्लास के बाद हमारे पास द नेक्स्ट जो इसका टेक्सोनोमिकल या हायरार्किकल लेवल है दैट इज़ द फाइलम फाइलम को वैसे भी एक प्रिंसिपल कैटेगरी माना जाता है क्लासिफिकेशन के अंदर जिसके अंदर जहाँ वो आम तौर पर जितनी भी डिफरेंट जो रिलेटेड क्लासेस हैं ऐसी क्लासेस जिनके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स मौजूद हैं उन सब को हम एक फाइलम के अंदर जो है वो रखते हैं तो फाइलम इट इज़ अबव द क्लास और इसके बाद आगे जाकर हमारे पास जो वो किंगडम आएगा अब फाइलम के एग्जाम्पल्स हमारे पास दे आर द फायलम कॉर्डेटा फायलम कॉर्डेटा के अंदर तमाम कॉर्डेट्स आ जाते हैं जिसमें रेप्टाइल्स एम्फीबियंस बर्ड्स मैमल्स जितने भी हैं ये सारे के सारे आ जाएंगे इसी तरह से हमारे पास फायलम आर्थरोपोडा है अर्थ के सारे इंसेक्ट्स जॉइंट लेग्स वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं अकाइनोडर्मेटा अकाइनोडर्मेटा के अंदर ज़्यादातर uh, star, जो वो स्टार फिश सी स्टार बिटल स्टार्स यानी कि जो मेरीन एनिमल्स हैं और जिनकी स्किन के ऊपर क्या के स्पाइनी जो अपरेंस मौजूद है स्पाइनी मौजूद होते हैं उसके काम जो है वो अकाइनोडर्मेटा के अंदर अकामोडेट करेंगे दे आर डिफरेंट फाइल ऑफ फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स द टॉप हायरकिकल लेवल ऑफ द क्लासीफिकेशन इज द किंगडम किंगडम जो है ये सबसे हाईएस्ट रैंक किसको माना जाता है क्लासिफिकेशन में देर आर फाइव किंगडम्स ऑफ ऑल एनिमल ऑर्गेनिजम्स जितने भी अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उन सबको फाइव बड़े किंगडम्स के अंदर रखा गया है फर्स्ट वन द किंगडम मोनरा किंगडम ऑनरा के अंदर सारे के सारे हमारे पास जो प्रो कैरियोर्स हैं बैक्टीरिया ब्लू ब्लूग्रीन एलजी आर्किया ये सारे के सारे जो है बेसिकली किंगडम मानरा के अंदर आते हैं देन द सेकेंड किंगडम इज द किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा को प्रोटोक्टिस्टा भी बोला जाता है किगना प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है ठीक है इसके अंदर हमारे पास जब वो एल जी आ जाएगी यूक्रियोर्स हैं लेकिन यूनिसेलोर हैं जबकि मोनरा के अंदर सारे प्रोकरियोर्स हैं यूक्रियोर्स यूनिसेलोर हैं या फिर कॉलोनियल फॉर्म है दे आर नॉट हैविंग द टिश्यूज इसमें हमारे पास जो प्रोटिस्टा के अंदर आ जाएंगे दे आर द प्रोटोजोन डिफरेंट टाइप सिलिएट्स अमीबा ये सारे आ जाएंगे एल जी आ जाएगी या फिर कुछ सिंपल टाइप ऑफ यीस्ट वगैरह जो हैं वो आ जाएंगे थर्ड दो किंगडम में दैट इज किंगडम फनजाई किंगडम फनजाई में सारे फंगस की डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो आ जाएंगी किंगडम फनजाई की पहचान यह है सेल वाल। उनकी वाल जब वो काइटन की बनी होती है जी उसके बाद आगे हायर नेक्स्ट हायर लेवल जो इसका जो किंगडम है थर्ड फोर्थ वन दैट अंगडम प्लान्टी किंगडम ऑफ प्लान्टी के अंदर आल द प्लाट्स जितने भी प्लाट्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे एंड किंगडम एनिमालिया के अंदर आल टाइप्स ऑफ एनिमल्स जितने भी एनिमल्स हैं अब एनिमल्स में हमारे पास जब वो पोरी से लेकर बा द एंड कॉर्डेट्स तक जितने भी हैं पोरीफरा सीन ट्रेट्स प्लेटी हेलमेंटिसकाइनोडर्ब्स है मोलोसक्स uh, uh, है आर्थ्रोपोर्स है, है और कॉर्डेट्स आल दीज आर दे आर ग्रूप टुगेदर इन द किंगडम एनिमालिया तो इस फाइव किंगडम सिस्टम रॉबर्ट वाइटेकर ने आपने पढ़ा था एफएससी के अंदर कि उसने फाइव किंगडम सिस्टम जो था वो बताया था ये फाइव किंगडम बेसिकली उसी को जो है वो रिप्रजेंट कर रहे हैं अच्छा नॉर्मल क्लासिफिकेशन लेवल के अंदर ये किंगडम तक ही हम जाते हैं क्लासिफिकेशन का एक और पैटर्न भी एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं डोमेन बेस्ड तो डोमेन में बेसिकली जो लाइफ है उसको तीन मेजर डोमेन्स में या वो डिवाइड किया जाता है ठीक है डोमेन्स ये जो किंगडम तक क्लासिफिकेशन है ये इससे सेपरेट है बहरहाल डोमेन्स में लाइफ जो है इसको तीन बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है द फर्स्ट डोमेन इज आर्किया आर्किया बेसिकली एनिशंट बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जो विच स्टिल सरवाइविंग जब भी जिंदा है लेकिन बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सर्वाइव करता है इसके बाद दूसरा जो ग्रुप है डोमेन दूसरी डोमेन जो है दैट इज़ द यू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली ट्रू बैक्टीरिया हैं ये ठीक है बैक्टीरिया इसके ऊपर मौजूद हैं और इससे जो थर्ड हमारे पास डोमेन है दैट इज़ यू कैरिया यू कैरिया के अंदर बेसिकली सारे यू कैरियोर्ट्स सा आ जाते हैं चाहे वो प्लांट्स हैं फंजाए है या एनिमल्स हैं दे आर ऑल प्लेस्ड इन वन डोमेन तो लाइफ को इस तरह से जो अदर एक तो किंगडम बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसके अलावा लाइफ की तीन डोमेन्स हैं जिसमें आर्किया यू बैक्टीरिया एंड द किंगडम जो है हमारे पास यू यू कैरिया यू कैरिया डोमेन जो है ये मौजूद है सो देर इज़ अनदर टर्म यूज इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लासिफिकेशन में एक टर्म यूज किया टैक्सॉन टैक्सॉन अभी जो हमने बेसिक पीछे पढ़ी है डिफरेंट हार का लेवल पढ़े हैं क्लासिफिकेशन के स्पीशीज़ है स्पीशीज के बाद जीनस है जीनस के बाद फैमिली है देन क्लास है ऑर्डर है ऑर्डर है ऑर्डर के बाद क्लास है क्लास के बाद फाइलम है फाइलम के बाद किंगडम है ये जितने भी डिफरेंट हर का लेवल है हर एक को हम टैक्सोन बोलते हैं तो डिफरेंट हर का लेवल ऑफ क्लासीफिकेशन सिस्टम आर कार्ड एज द टैक्सोन तो जिस तरह से हम अगर कोई बात फैमिली की बात कर रहा है फैमिली लेवल की बात कर रहा है तो हम से कहेंगे अच्छा तुम तो किस टैक्सोन की बात कर रहे हो मीन तुम किस हायरकी हरकि लेवल की जो है उसकी बात कर रहे हो ये तो ये स्पीशीज़ लेवल की अगर कोई बात कर रहा है वो जी मेरा टैक्सोन का लेवल जो स्पीशीज़ है अगर कोई बंदा जीनस लेवल पे बात कर रहा है वो कह के अच्छा मैं जिस टेक्सोन की बात कर रहा हूँ दैट इज द जीनस लेवल तो ये हमारे पास एक सिंपल ऑल द हरिकल लेवल एक्चुअली दे आर अलाइं दे स्पेसिफिक मैनर उनके एक स्पेसिफिक जो वो ऑर्गेनाइजेशन है या अलाइनमेंट है यहाँ अगर इसमें देखें आप तो हेयर वी विल स्टार्ट हार्किकल जितने भी लेवल दे स्टार्ट फ्राम द स्पीशीज तो हमेशा स्पीशीज से जब वो स्टार्ट किया जाता है स्मॉलेस्ट ग्रुप से लार्जेस्ट ग्रुप की तरफ जाते हैं कभी भी लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ नहीं आते हैं नॉर्मली जब भी हम एनिमल को स्टडी करते हैं तो वी स्टार्ट फ्राम दी स्मॉलेस्ट ग्रुप अच्छा यहाँ हम दो एनिमल्स को देखेंगे वैसे फोर एनिमल्स हैं दो एनिमल्स के इसमें देखें हैं। मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई जी ये स्पीशीज नेम मस्का डोमेस्टिका डोमेस्टिका है जीनस नेम इज़ द मस्का फैमिली इज मस्किडी देन ऑर्डर डाइप्ट्रा क्लास एग्जापोडा फाइलम आर्थ्रोपोडा और किंगडम एनिमालिया और अगर डोमेन की बात करें तो यू कैरियर सेम इज द केस विद ह्यूमन ह्यूमन में हमारी स्पीशीज नेम इज द होमोसेपियंस देन होमो जीनस होमो है फैमिली होमीनाइडी है ऑर्डर प्राइमेट्स हैं क्लास मेमलिया है देन फाइलम कॉर्डेटा एंड किंगडम एनिमालिया है अब इसमें देखें जो हाउस फ्लाई है वो भी सेम किंगडम से बिलोंग कर रही है यह ह्यूमन जो है वो भी सेम किंगडम से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब जो बड़े ग्रुप्स हैं उनके अंदर रिलेटिवली डिसिमिलर ऑर्गनिज्म पाए जाते हैं यानी कि कम सिमिलरिटीज़ होती हैं वो भी मौजूद होती हैं यहाँ आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर किसी टेक्सॉन का साइज़ बड़ा हो जाए तो उसको फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है मसलन अगर कोई ऑर्डर बहुत बड़ा हो गया है तो फिर उस ऑर्डर के आगे सब ऑर्डर बना दिए जाते हैं तो इस तरह से सब ऑर्डर्स हो सकते हैं इस तरह से अगर कोई क्लास बड़ी है जैसे क्लास मैमलिया एक बड़ी क्लास है मैमल्स की तो इसके अंदर तो तीन सब क्लासेस जो हैं हाँ वो मौजूद हैं ठीक है ठीके? इसके तरह जो है वो प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया यू थीरिया ये तीन क्लासेस हैं जो मेमल्स की हैं इस तरह से एक क्लास की सब क्लास बन जाएगी अगर कोई फाइलम बहुत बड़ा है तो उसे सब फाइलम बना दिया जाता है तो मीन्स ये जो डिफरेंट टैक्सॉन्स हैं इनके अगर फर्दर सब टैक्सॉन्स भी बनाए जा सकते हैं